हेलो एवरीवन वेलकम टू अभी पीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आई एस एंड इन द क्लास ऑफ यू पी सेट टुडे वी विल डिस्कस टाइम एंड डिस्टेंस टाइम स्पीड और डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड फ्रॉम दिस सिंगल टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं द क्वेश्चंस मे बी डायरेक्टली ऑन स्पीड टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन ट्रेन की फॉर्म में आपको मिल सकता है बोर्ड एंड स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है या फिर आपको रेसिस के बेस में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल सकता है ठीक है तो आज की क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी तो जिन स्टूडेंट्स ने टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा पढ़ा हुआ है जिनके बेसिक्स क्लियर हैं तो आई होप वो स्टूडेंट्स ईजिली इन तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सो so, सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड देन यू विल चेक कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट है कितने आप खुद से कर पा रहे हो ओके सो स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है क्या है क्वेश्चन ए मैन कंप्लीट जर्नी ऑफ जर्नी इन टेन आवर्स टेन आवर्स के अंदर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है ओके ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी एट ए रेट ऑफ ट्वेंटी वन किलोमीटर पर आवर फर्स्ट हाफ कितने स्पीड से कर रहा है ट्वेंटी वन किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट ए रेट ऑफ ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर डन फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर टोटल जर्नी इन किलोमीटर अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है अब कह रहे कि जो फर्स्ट हाफ पार्ट है लेटर से दिस इज डी ओके इसको वो कवर कर रहा है ट्वेंटी वन किलोमीटर पर आर की स्पीड से और जो सेकेंड हाफ है उसको कवर कर रहा है किससे ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आर की स्पीड से एंड द टोटल टाइम टेकन इज टेन आवर्स टोटल उसको कितना टाइम लग रहा है उसको टेन आवर्स लग रहे है. Okay? अब देखो यहां पे आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है अगर आपके छोटे छोटे जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि अगर सेम डिस्टेंस कवर्ड है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस अब क्वेश्चन या तो ऐसे आ जाता है कि हाँ जी ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है एक पर्सन इस पर्टिकुलर पोजिशन से यहाँ पे आया और यहाँ से वापिस यहाँ पे चला गया उस केस में डिस्टेंस बताओ ठीक है तो वो क्या हो गया हमारे पास में ये सिंगल डिस्टेंस हो गया अगर वो कह रहा है कि हाँ जी स्ट्रेट ही गया है डिस्टेंस है डिस्टेंस है तो उसके इसमें ये फाइंड आउट कर लेंगे ये फाइंड आउट कर लेंगे एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास में जी अगर मैं कहती हूँ करना है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है स्पीड वन इंटू स्पीड टू डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्पीड इंटू टोटल टाइम तो यहाँ पे देखिए स्पीड वन क्या है एक बार मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला अगर किसी को नहीं पता तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्पीड वन इंटू स्पीड टू इंटू टोटल टाइम सो दिस विल बी ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई सम ऑफ़ द स्पीड दिस विल बी विलोर्टी फाइव एंड द टोटल टाइम इज इक्वल टू टेन ओके कितना आ गया ये ये हो गया आपके पास फिफ्टी सिक्स इंटू टू दैट मीन्स वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व किलोमीटर वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व किलोमीटर स इज वन हंड्रेड ट्वेल्व किलोमीटर दिस डिटेंस इज वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व किलोमीटर दैट मीन दिस टोटल जर्नी टोटल जर्नी टू वट यस दिस विल बी टू टी टू टोटल कितना हो गया आपके पास में टू ट्वेंटी फोर किलोमीटर सो आंसर विल बी टू ट्वेंटी फोर किलोमीटर डन एक तो सिंपल है डायरेक्टली आप कर सकते हो अब कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर माइंड थोड़ा पजल हो जाता है और हमें हम याद नहीं रहता कि ये वाला कुछ फॉर्मूला किया था हमने होता है ये हमने अगर कर भी रखा चाहे आपने उसके ऊपर दस क्वेश्चन कर रखे फिर भी एग्जाम में हम भूल जाते हैं तो बेसिक जो है वो भी उससे भी आपको पता होना चाहिए क्या हमें पता है कि टाइम क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड ये तो सबको पता है क्या करेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड प्लस सेकेंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड एंड दिस इज इक्वल टू तो वट टेन आवर्स की आ आ जाएगी आपके आपके पास पास? दो बारी कितना गया दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे हाँ जी. Next question है screen पे. सभी ने चेक करना है कि मेरे कितने क्वेश्चन खुद से करेक्ट हैं. ओके okay? ऐसा भी आप कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो ठीक है उसके बाद में सोल्यूशन चेक कर लो क्या है ए ट्रेन कैन ट्रेवल 50% परसेंट फास्टर देन कार जो ट्रेन है वो 50% परसेंट फास्ट चल रही है किससे कार से बोथ स्टार्टेड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच एट पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम इच अदर देर आर टू पॉइंट्स ए एंड बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज सेवेंटी किलोमीटर पर सॉरी सेवेंटी फाइव किलोमीटर और क्या कह रहा है कि जो ट्रेन है ट्रेन की स्पीड क्या है फिफ्टी परसेंट फास्टर है अगर हम ट्रेन की बात कर रहे हैं और कार की बात कर रहे हैं ट्रेन फिफ्टी परसेंट ज्यादा फास्टर है दैट मीन्स अगर ये हंड्रेड है तो इसकी स्पीड कितनी है स्पीड कितनी है वन फिफ्टी दैट मीन्स की रेशियो कितनी आ गया आपके पास में थ्री रेशियो टू यस दिस इज थ्री रेशियो टू डन और क्या कहा है आपको ऑन द वे On the way, however, the train loses about 12.5 minutes while stopping at the station. स्टॉपिंग कह रहा है कि यहाँ पे उसने देखो छोटा सा पॉइंट क्या कहा कि दोनों की स्पीड जो है वो क्या है स्पीड क्या है डिफरेंट है साथ में उसने कहा है कि दोनों ए पॉइंट से चले ठीक है सेम टाइम पे और दोनों ही बी पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचे दोनों ही सेम टाइम पे बी पॉइंट पे पहुंचे ठीक है तो ये बताओ कि यहाँ पे जो कार है कार की स्पीड क्या रहेगी दोनों सेम टाइम पे That means की? ट्रेन तो फास्ट चल रही है और कार स्लो चल रही है फिर भी ट्रेन सेम टाइम पे पहुंचे दैट मीन्स कि ट्रेन का कुछ टाइम स्टॉपेज पे वेस्ट हो गया और वो टाइम आपके पास गिवन है कितना टाइम है दैट इज 12.5 मिनट्स 12.5 मिनट्स ओके दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास अगर आप कहते हो कि भाई इसकी जो स्पीड है दिस इज लेटेस्ट से दिस इज थ्री एक्स दिस इज टू एक्स ओके कितना डिस्टेंस कवर करना है सेवनटी फाइव किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो यहाँ पे जो ट्रेन है ट्रेन को कम टाइम लगना था कार को ज़्यादा टाइम लगना था दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीन्स वाट कि सेवेंटी फाइव बाई टू एक्स माइनस सेवेंटी फाइव बाई थ्री एक्स इज इक्वल टू वाट दिस इज टूल्व पॉइंट इतना सा पॉइंट है सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर एक्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी कार की स्पीड क्या है एक्स उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल करिए सॉल्व हाँ जी क्या आ गया एक्स आपके पास एलसीएम आ जाएगा दिस विल बी 225 150 इज इक्वल टू 12.5 ये जो एक्स है ये इधर चला जाएगा आपके पास में ओके okay. ये पॉइंट में है वैल्यू इस पॉइंट को रिमूव करेंगे दिस विल बी डिवाइडेड बाय टेन दिस इज इन मिनट इसको आर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय सिक्सटी क्लियर सॉल्व करो इसको जब माइनस करेंगे वैल्यू कितनी आ दिस विल बी सेवेंटी फाइव करिए सॉल्व ये हो गया आपके पास में पच्चीस थी पचहत्तर पच्चीस पाँच एक सौ पच्चीस पाँच दैट मीन्स वट एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास

मेन पॉइंट है कि हाँ जी कंसेप्ट छोटे छोटे से ये आपको पता होना चाहिए ओके नेक्स्ट देखिए मैं ये नहीं कहती कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा या जो है कंसेप्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वैन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी सेट वैन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू चाहे आपके पास जीएस का पेपर है चाहे सी का पेपर है यू शुड बी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन यूर एग्जाम Your basic concept should be clear so that कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओ उसको क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या है। अपोजिट डायरेक्शन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक एक सर्कुलर ट्रैक है ये सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है ठीक है इस सर्कुलर ट्रैक पे दो बाइक चल रही है एक बाइक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक बाइक इस डायरेक्शन में जा रही है लेटर से दिस इज द स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट बाइकर ए राइडीन किलोमीटर पर आवर जो एक है वो कितनी स्पीड से चल रहा है ए सिक्सटीन किलोमीटर पर आवर एंड द बाइकर बी राइड एट द स्पीड ऑफ फोर्टीन किलोमीटर पर आवर एक सिक्सटीन की स्पीड से जा रहा है दूसरा फोर्टीन की स्पीड से जा रहा है

तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हां जी, डायमीटर ऑफ सर्कल ओके अब यहां पे सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा यहां पे। अब देखिए डायमीटर क्या होता है टू पाई आर दैट मींस टू इन टू पाई की वैल्यू क्या है ट्वेंटी टू बाई सेवन आर अगर डायमीटर फोर्टी है दैट मीन्स की आर की वैल्यू क्या हो गया आपके पास ट्वेंटी दिस इज ट्वेंटी दिस इज ट्वेंटी सो दिस विल बी एटी एट सेवन हाँ जी बताइए यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट किलोमीटर में है दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज इन किलोमीटर ना वी हैव द वैल्यू फॉर डिस्टेंस वी हैव द रिलेटिव स्पीड बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड वैन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो क्या होगा दोनों की स्पीड एडअप हो जाएगी तो दोनों की स्पीड एडअप होगी सिक्सटीन प्लस फोर्टी दैट मीन्स दिस इज थर्टी किलोमीटर पर आवर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा टाइम कितना लगेगा एट एट्टी बाई सेवन डिवाइडेड बाई थर्टी

और चेक करो क्वेश्चन कितनों का करेक्ट है जिनका भी ये आंसर आया आपका 88 21 एट बाई ट्वेंटी आप पहुंच गए इन दैट केस क्या है correct है करेक्ट अपना ना नेक्स्ट देखिएगा हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डाटा सफिशियंसी डाटा सफिशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है क्या है यहाँ पे क्वेश्चन अब जब हम बात करते हैं कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की दैट क्वेश्चन में भी ऑन स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम एंड वर्क एवरेज रेशियो तो आपके एग्जाम के अंदर डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और डाटा सफिशियंसी पे भी आप कब कर पाओगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो यहाँ पे भी हमने देखना है आपके पास एक क्वेश्चन ही है एक तरह से दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू स्टेटमेंट्स यू हैव टू स्टेटमेंट्स देन यू विल चेक कि इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट की हेल्प से क्या आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर पाते हो है ना तो उसने क्या कहा हाउ मच टाइम एक्स टेक टू रीच द डेस्टिनेशन ओके अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है यहाँ पे एक्स है अब यहाँ पे उसने कहा है कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज थ्री ठीक है इसने यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डेस्टिनेशन पे जाना है अब एक है एक्स एक है वाई कह रहा कि जो x और y की रेशियो है स्पीड की वो कितनी है थ्री रेशियो फोर अब ये बताओ क्या हम सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट के बेस पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि x अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा हाँ जी क्या हम फाइंड आउट कर सकते नहीं फाइंड आउट कर सकते वी डोंट हैव एनी थिंग आई डोंट हैव द टाइम आई हैव द डिस्टेंस कुछ भी नहीं है मेरे पास में है हाँ ना यहाँ पे क्या क्या है कि कितने टाइम में एक्स पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे हमें कुछ नहीं पता कि कितने टाइम में पहुंचेगा ओके okay? अभी यहाँ पे साथ में एक और पॉइंट है दूसरा कर वाई टेक्स थर्टी सिक्स मिनट्स टू रीच द सेम डेस्टिनेशन अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से अस से दिस इज ए एंड बी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो कि डेस्टिनेशन है यहाँ तक पहुँचने में वाई को कितना टाइम लग रहा है थर्टी सिक्स मिनट्स लग रहे हैं अब ये सोचो कि अगर मेरे पास में सिर्फ यही है कि जी वाई थर्टी सिक्स मिनट्स लग रहे और उसका कंपैरिजन एक्स के साथ में कुछ भी गिवन नहीं है देन कैन वी आई आई फाइंड फाइंड आउट आउट द द आंसर आंसर नो बट अगर मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ तो मेरे पास में रेशियो है स्पीड की अगर मेरे पास में स्पीड की रेशियो है, है उसकी अपोजिट है टाइम की रेशियो क्या है अपोजिट है सॉरी दिस इज फोर रेशियो थ्री क्योंकि

ट की दोनों की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सो आंसर विल बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर नेसेसरी टू गिव द आंसर ओके जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो अगर आपको यहाँ पे जैसे यही क्वेश्चन है आपको आंसर तो नहीं पूछा कि ऑप्शन के अंदर है कि फोर्टी एट है थर्टी सिक्स है थर्टी सेवन है कुछ भी नहीं है जस्ट आपको ये बताना है कि क्या हम इसकी हेल्प से आंसर कर सकते हैं इन दैट केस अगर आपको पता है सिर्फ स्टेटमेंट की हेल्प से तो हमें क्या पता चलेगा हां जी यहाँ पे रेशियो गिवन स्पीड की आई कैन फाइंड आउट द रेशो ऑफ टाइम एंड देर इज द टाइम गिवन फॉर वन पर्सन आई कैन फाइंड आउट द टाइम फॉर द सेकेंड वन सिंपल सो देयर इज नो नीड टू सोल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस ओके हाँ जी वन मोर थिंग फॉर ऑल द सी सेट एस्पिरेंट्स जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी सी सेट के लिए प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर दैट एस्पिरेंट्स आई वी हैव लॉन्च ए कोर्स फॉर सी सैट इन विच वी आर प्रोवाइडिंग यू द कम्पलीट सिलेबस ऑफ सी सेट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश मेन फोकस विल बी ऑन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग रीजन बिंग कि हाँ क्वांट के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को तो क्वांट के सबसे ज्यादा लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे ठीक है एंड विद ईच लेक्चर यू विल गेट वेब नोट यू विल गेट द क्लास पी डी एफ एंड ऑल्सो ए माइक्रो टेस्ट थ्री डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है जो भी एस्पिरेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है यू कैन ज्वाइन अगर कोई और क्यूरी है आपके कोर्स से रिगार्डिंग सी सेट के पेपर से रिगार्डिंग इन दैट केस देयर इज ए फोन नंबर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर जो भी रिगार्डिंग पर्सन होगा उसके आपकी क्यूरी रिजोल्व हो जाएगी ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन हाँ जी आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अगेन डाटा सफिशियंसी क्या है टू कार पास ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू बी 50 किलोमीटर अपार्ट फाइव हंड्रेड किलोमीटर अपार्ट दोनों के बीच में फाइव हंड्रेड का डिस्टेंस है ठीक है डिस्टेंस मेरे पास है अब कह रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है लेटर से कि ये एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है फाइव किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है पहले ये देखो कि मेरे पास स्टेटमेंट है क्या गिवन एंड दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अब क्वेश्चन है क्या कि आपको ये फाइंड आउट करना है? कितने टाइम में इस डिस्टेंस को कवर करेंगी देन यू शुड नो कि अगर आपके पास में डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है एंड बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इन मूविंग पोजीशन देन यू विल टेक द यस व्हाट रिलेटिव रिलेटिव स्पीड स्पीड एंड तो टाइम क्या होगा आपके पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्स वाई मीन्स की मेरी ये रिक्वायरमेंट अब देखो मेरी कौन सी स्टेटमेंट से रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है द स्पीड ऑफ सम ऑफ देयर स्पीड इज 135

हाँ जी दोनों का सम आपके पास गिवन है दिस इज वन थर्टी फाइव कितना टाइम लगेगा डन नेक्स्ट देखिएगा हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास क्या है द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीजेस बाय टू किलोमीटर आफ्टर वन आवर हर एक घंटे के बाद में स्पीड कितनी बढ़ रही है टू किलोमीटर इंक्रीज हो जाती है इफ द डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवलिंग इन द फर्स्ट आवर इज थर्टी फाइव किलोमीटर वट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ट्वेल्व आवर्स तो बताओ बारह घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा अब यहाँ पे एक सिंगल छोटा सा क्वेश्चन है ये छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका थोड़ा सा सीरीज का भी कंसेप्टूज़ हो रहा है थोड़ा सा स्पीड का भी कंसेप्ट यहाँ पर आपका यूज़ हो रहा है ठीक है और यहाँ पर थोड़ी लॉजिकली भी आपको सोचना है ठीक है कैसे क्या कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड क्या है थर्टी फाइव और हर घंटे के बाद में स्पीड कितनी बढ़ रही है दो दो किलोमीटर बढ़ रही है ठीक है तो लास्ट तक में जाकर हम देखें बारह घंटे के बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी हाँ जी बारह घंटे के बाद स्पीड कितनी होगी तो अब कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसा करेंगे इसके अंदर ट्वेंटी फोर एड कर देंगे और उसको लास्ट कंसिडर करके चल चलेंगे अगेन क्या हो गया आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा यहां पे देखो जब मुझे सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके इस में क्या हो रहा है थर्टी फाइव प्लस टू इन टू वन टू एड कर रहे हैं ना सेकेंड टर्म के लिए मैं क्या ले रही हूं मल्टीपल ऑफ वन सो टर्म के लिए क्या लेंगे मल्टीपल ऑफ इलेवन मल्टीपल ऑफ टास्टी सेवन इतना हो गया अब दूसरा पॉइंट है कि हांजी अब इसका सम करना है अब या तो एक तरीका ये हो गया कि सभी को लिखो फिर उसको जोड़ो टाइम ज्यादा लग जाएगा दूसरा यहाँ पे देखो

सेवन सो दिस विल बी सिक्स इन टू ये कितना हो गया ये हो गया आपके पास सात पाँच बारह आठ और एक नौ no. मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा छह दूनी बारह के चौवन और एक पचवंजा दैट मीन्स फाइव फिफ्टी टू किलोमीटर फाइव फिफ्टी टू किलोमीटर डन हमें मान लीजिए ए पी का भी फॉर्म पता है बट अगर यहाँ पे हम मिस्टेक कर देते हैं तो ये रोंग हो जाएगा तो ये ये सिली मिस्टेक्स हैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है देखो ट्री वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराया था ना कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ट्री है तो उसकी तरह से ही एक तरह से है ना चलो कोई नहीं उसके बारे में नहीं सोचना पहले अभी ये देखो ये क्लियर है सभी को कोई डाउट वाइनर सा अगर कोई भी डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ समझ आ रहा है लगता है कि वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन अगेन यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन वीडियो को लाइक like करेंगे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में जो न्यू यूजर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट कि जो भी यूट्यूब पे आप जो भी वीडियो आती हैं उनका आपको नोटिफिकेशन आ जाए नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है सिंपल बिकॉज ऑन आवर चैनल सिर्फ आपके पास में सी सेट की ही वीडियो नहीं है यू विल आल्सो गेट सम वीडियोस ऑफ जीएस जीएस के लिए भी uh, जो इशू एंड एनालिसिस की वीडियोस आ रही हैं और बाकी सब अदर टॉपिक्स पे भी वीडियो है पॉलिटी जियोग्राफी हर टॉपिक पे इवन करंट अफेयर्स सारा कवर है ठीक है तो जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर जल्दी से करेंगे सभी थोड़ा सा मैं टाइम लगा रही हूँ रीज़न बिंग की थोड़ा आप खुद से ट्राई करो हाँ जी सभी ट्राई करेंगे खुद से क्या है एक कार ट्रेवल विद फाइव बाई एक्चुअल स्पीड फाइव बाई स्पीड मीन्स वाट ओरिजिनल से ओरिजिनल अगर यहाँ पे बेटा फाइव बाई सिक्स लिखा हुआ है दैट मीन्स दिस इज ओरिजिनल दिस इज न्यू ओके ओरिजिनल थी सेवन और न्यू क्या है फाइव कवर्स फोर्टी टू किलोमीटर इन वन आर फोर्टी मिनट फोर्टी एट सेकेंड्स फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार एक्चुअल स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है हाँ जी जो न्यू स्पीड है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि अगर वो एक्चुअल स्पीड का फाइव बाई सिक्स स्पीड से चलता है इन दैट केस ही विल ट्रेवल फोर्टी टू किलोमीटर डिस्टेंस इन वन आर फोर्टी मिनट्स एंड फोर्टी एट सेकेंड्स ना ये आपको कन्वर्जन आनी चाहिए सो you know so पहले क्या करोगे वन आवर फोर्टी मिनट्स अब इस मिनट्स को अब सेकेंड है. सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे कितना आ गया फोर्टी एट बाई मिनट कितना आ गया वन आर हो गया सौ बीस एक सौ चौबीस मिनट को भी क्या करना है ओके okay? चार से करो चार तीन बारह चार एक हम चार सो कितना आ गया आपके पास हाँ जी सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी ये हो गया आपके पास में वन आर थर्टी फाइव है ना तो ये हो जाएगा आपके पास अच्छा इतना ही आएगा देखो एक मिनट हाँ यस सॉल्व कर लेंगे सभी क्या आ रहा वन आर फोर्टी मिनट्स एंड फोर्टी एट बारह चौके अड़तालीस बारह पाँच साठ ये हो गया चार से एक सौ बीस एक है ना डिवाइडेड बाई सिक्सटी करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है चार से चार तिया बारह चार एकम चार ये हो गया पिचहत्तर वन इज टू थर्टी वन डिवाइडेड बाई सेवेंटी फाइव ठीक है बिल्कुल सॉल्व करो कितना आ गया सिक्स चार ये हो गया हमारे पास में सात और तीन दस बटे पिचत्तर है ना इतना ही आएगा हाँ जी दो सौ चार आएगा देखो बेटे यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में देखो एक बार दोबारा से डिटेल में बता देती हूँ क्या बन रहा है आपके पास ये वैल्यू बन रही है क्या करोगे वन आर इज कम्प्लीट फोर्टी मिनट्स एंड फोर्टी एट सेकेंड्स फोर्टी एट सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लोगे क्योंकि बारह चौके अड़तालीस बारह पांच साठ है ना वन आर इज कम्प्लीट चालीस को बीस से मल्टीप्लाई करेंगे चालीस और पाँच को मल्टीप्लाई करेंगे दो सौ दो सौ चार कितना आ गया टू बाई फाइव ये क्या है मिनट्स एंड देन यू विल कन्वर्ट द मिनट्स इनटू आर देन अगेन मल्टीप्लाई बाय वन बाई सिक्सटी सिक्सटी से डिवाइड करेंगे एक तरह से चार से करो दैट मींस वन इज टू फिफ्टी वन बाई सेवेंटी फाइव कितना हो गया वन ट्वेंटी सिक्स बाई सेवेंटी फाइव आर्स हो गया बस यहीं पे थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ओके okay? कितना आ गया 126 सेवेंटी फाइव अब देखो आगे क्या है आपके पास हाँ जी नेक्स्ट देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना डिस्टेंस है मेरे पास time है. आई कैन फाइंड आउट इज इक्वल टू बाई वन ट्वेंटी सिक्स इन टू क्लियर कितना हो गया दिस इज थ्री दिस इज ट्वेंटी दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव किलोमीटर आर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आर अब ये जो स्पीड आई है हमारे पास ये कौन सी आई है ही इज़ मूविंग विद फाइव मल्टीपल मल्टीपल होगा तो ये कितना आ जाएगा दिस विल बी थर्टी फाइव किलोमीटर पर आवर सो आंसर विल बी वाइट थर्टी फाइव किलोमीटर पर आर यही आपसे पूछा गया actual speed, क्या है एक्चुअल स्पीड क्या थर्टी फाइव किलोमीटर पर आर हां डाउट किसी को क्लियर हां नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है रॉबर्ट इज ट्रेवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच एट ए पॉइंट ए एट टू पी एम इफ ही ट्रेवल एट टेन किलोमीटर पर आर

तो किस टाइम पहुंचा वो हांजी टू पी एम दैट मीन्स वन आर लेट फिर क्या कह रहा है कि वो फिफ्टीन किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है अगर वो फिफ्टीन किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है तो किस टाइम पहुंच रहा है बारह बजे पहुंच गया वो दैट मीन्स वन आर अर्ली आप कह रहे कि बताओ वो कितनी स्पीड से चले सो so दैट कि वो टाइम से पहुंच जाए एक बजे एक बजे उसको पहुंचना है तो अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है और उसको इस पर्टिकुलर पोजिशन पर पहुंचने के लिए टाइम कितना लग रहा है टाइम कितना लग रहा है पर्टिकुलर स्पीड के साथ में ओके तो अगर हम देखते हैं डिस्टेंस तब तो आपके पास में जब आपके पास टाइम डिफरेंस गिवन होता है इन दैट केस डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम स्पीड वन इंटू स्पीड टू डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू टाइम डिफरेंस अब यहाँ पे देखिए हाँ जी टाइम स्पीड वन अगर हम देखें एक बार जा रहा हो पंद्रह की स्पीड से एक बार जा रहा हो दस की स्पीड से डिफरेंस हो गया फाइव टोटल जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे एक घंटा लेट है यहाँ पे एक घंटा जल्दी पहुंच गया दैट मीन्स कि दो घंटे का फर्क आ रहा है पहले वो एक घंटे पहले, पहले पहुंच गया वैसे भी सिंपल देखो ना पहले दो बजे पहुंच गया फिर बारह बजे पहुंच गया दो घंटे का डिफरेंस है पहले दो बजे पहुंच गया फिर बारह बजे पहुंचे दैट मीन्स की दो घंटे का डिफरेंस है ना डिस्टेंस कितना है उसके पास निक्सटी किलोमीटर दैट मीन्स की ये जो डिस्टेंस है वो कितना है सिक्सटी किलोमीटर का है ओके एंड व्हेन ही इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ टेन किलोमीटर पर आवर तो उसको कितना टाइम लग रहा है उसको छह घंटे लग रहे हैं है हाँ ना 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 की स्पीड से कवर कर रहा है दैट मीन्स कि उसको 6 घंटे लग रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे अगर वो 15 की स्पीड से जा रहा है तो उसको चार घंटे लग रहे हैं चार घंटे लग रहे हैं पर हम क्या चाहते हैं कि वो पाँच घंटे के अंदर पहुँच जाए तभी तो वो एक बजे पहुँचेगा एक बजे पहुँचेगा तो पाँच घंटे के अंदर डिस्टेंस उसके पास में कितना है सिक्सटी किलोमीटर टाइम उसको कितना लगाना है फाइव आवर्स लगाने हैं तो कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा उसको दैट किलोमीटर पर की स्पीड से चलना पड़ेगा कितनी स्पीड से चलेगा ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओके okay? क्लियर दोनों से कर सकते हो इससे भी कर सकते हो अगर फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं ठीक है ना तो यहाँ पे उसको फोर आवर्स लग रहे हैं फोर आवर्स लग रहे हैं ना तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि भी डिस्टेंस कितना है आपके पास में सिक्सटी सेम ही है टाइम उसको कितना चाहिए अब वो एक घंटे जल्दी पहुंच रहा है दैट मीनस कि उसको एक घंटे बाद पहुंचना है दैट मीन उसको फाइव आवर्स चाहिए डन तो डिवाइडेड बाई फाइव करेंगे जाए ओके okay? हाँ जी देर इज वन मोर क्वेश्चन क्या है टाउन ए बी सी आर इन ए स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर दो टाउन है टाउन सी इज इन बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में क्या है टाउन सी है पॉसिबिलिटी और यहां पे क्या है है। आपके पास में C है. दोनों possibilities mind में दोनों लेके चलोगे। टाउन सी इज बिटवीन ए एंड बी द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज हंड्रेड किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है आपके पास में ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस दिस इज हंड्रेड किलोमीटर ओके

ए टू बी और दूसरा किससे कंपेयर कर रहा है सी टू बी कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर है दैट मीन्स अगर ये हंड्रेड है तो ये कितना है वन ट्वेंटी फाइव और डायरेक्टली अगर मैं देखूँ तो दोनों के बीच में रेशियो क्या आ रही है फाइव बाई फोर है ना तो उसने क्या कहा है? कि यहाँ पे ए टू बी तो मेरे पास गिवन है हंड्रेड दैट मीन्स इफ दिस इज इक्वलेंट टू हंड्रेड कितना है ट्वेंटी मल्टीपल है

दिस कंप्लीट इज एटी दिस इज सॉरी दिस कम्प्लीट इज हंड्रेड दिस इज एटी दैट दिस इज ट्वेंटी दैट मीन्स बट कि फर्स्ट की हेल्प से हम आंसर कर सकते हैं फर्स्ट की हेल्प से हम आंसर कर सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे फर्स्ट अलोन इज सफिशेंट ओके बट यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं बट सेकंड इज नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर दैट मीन्स कि डायरेक्टली आपने इसको टिक नहीं करना है यू विल चेक फॉर द सेकेंड वन आल्सो अब सेकेंड को चेक करो ये फर्स्ट का क्लियर है हाँ जी अब अगर मैं सेकंड की बात करती हूं तो सेकंड में कह कहना डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज वन फोर्थ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज वन डिस्टेंस ए टू सी इज वन फोर्थ ऑफ डिस्टेंस सी टू बी ओके दैट मीन्स वट फोर ए सी इज इक्वल टू सी बी फोर ए सी यही कहें और यहाँ पे हमारे पास में एक तरह से ये रेशियो आ गई दोनों की यही कह सकते हो कि हाँ जी ए और बी की मेरे पास में रेशियो आ गई कितनी वन रेशियो फोर वन रेशियो फोर एंड इफ आई हैव द रेशियो बिटवीन दीज टू एंड आई नो द टोटल तो कितनी होगी वैल्यू आपके पास में हाँ जी टोटल वैल्यू कितनी आ गई दिस विल बी ट्वेंटी दिस विल बी एट्टी क्योंकि टोटल कितना है मेरे पास दिस इज हंड्रेड ए इस सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं हाँ जी ए सी और बी सी ए सी दिस पार्ट बी सी दिस पार्ट एंड दिस टोटल इज इक्वल टू हंड्रेड रेशियो अगर आपका क्लियर है देन इन दैट केस यू कैन इजीली फाइंड आउट कि हाँ जी वन बाई फोर वन बाई फोर की वैल्यू किसके इक्वल होगी क्या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो हाँ जी ए सी बी सी दिस इज वन दिस इज फोर ओके टोटल इज फाइव दैट मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें क्या फाइंड आउट करना ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो कैसे करोगे ए सी इज इक्वल टू वन बाई फाइव इंटू टोटल टोटल इज हंड्रेड दिस इज ट्वेंटी बट एग्जाम के अंदर आपको इसको सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ये तो ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे में क्वेश्चन निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती बट आपके जो छोटे छोटे बेसिक्स है ना क्या जी ये वैल्यू है तो क्या आंसर आ जाएगा ये वैल्यू है तो क्या आंसर आ जाएगा ये तो क्लियर होने चाहिए सो so दैट कि आपको एग्जाम में कैलकुलेशन ना करनी पड़े यू कैन डायरेक्टली आंसर कि हाँ अब यहाँ पे ही था यहाँ पे मुझे पता है कि हाँ जी कंपैरिजन है 24, 25 परसेंट मोर कह दिया उसने दैट मीन्स कि आई कैन कैलकुलेट यहाँ पे उसने दोनों के बीच में कंपैरिजन दे दिया वन फोर्थ था दैट मींस आई कैन कैलकुलेट मीन्स वर्ट की फर्स्ट की हेल्प से भी हम आंसर कर सकते हैं सेकेंड की हेल्प से भी आंसर कर सकते हैं एंड वैन दिस दिस सिचुएशन अराइजेस वैन

आई होप जो आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं सभी को क्लियर है फिर भी अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सेशन को मैक्सिमम शेयर करना है हाँ जी अगर आपको लगता है सेशन इज हेल्पफुल देन यू विल शेयर विद ये थैंक यू